हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैड डिजाइन एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्लॉ हैमर इन सॉलिड वर्क्स, और इस पार्ट को आप मेरे ग्रैब कैड लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पोर्शन जो है ये हमारा फर्स्ट पोर्शन होगा, ये वाला सेकंड पोर्शन और ये वाला थर्ड पोर्शन। ओके, अगर आपके कोई डाउट रहेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हमको बनाना हेड, तो उसके लिए पहले हम ले लेते हैं फ्रंट प्लेन, और इसमें हमें लेने पड़ेंगे कुछ प्लेन, चार प्लेन बेसिकली हमें चाहिए। तो इसको हम ले लेते हैं 30 मिलीमीटर एंड क्वांटिटी टू नंबर्स। ओके, फिर से एक प्लेन ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 45। ओके, अब जाएंगे फ्रंट प्लेन पे और उसको करेंगे नॉर्मल और ड्रॉ करेंगे एक स्क्वायर। इसको डायमेंशन कर देते हैं 65 और 65। ओके करेंगे। अब जाएंगे प्लेन नंबर 1 पे और इसको भी करेंगे नॉर्मल 2। इसमें एक हमें सर्कल चाहिए, एक सर्कल चाहिए यहाँ पे हमें। इसका डायमीटर है 55, इसको भी कर देते हैं ओके। जाएंगे प्लेन 2 पे, इसको भी करेंगे नॉर्मल 2, और इस पर हमें सर्कल चाहिए 95 डायमीटर का। ओके, 95 कर लेंगे और ओके। इस प्लेन 3 पे भी हमें सेम चाहिए, स्केच प्लेन 3 एंड कन्वर्ट एंटिटीज ऑफ दिस सर्कल एंड ओके। ओके, इसको करेंगे फिनिश। अब जाएंगे लॉफ्ट में, फीचर लॉफ्ट, स्केच को बारी बारी से सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे ओके। हमारा हेड आधा तैयार हो गया। ओके, अब इन प्लेन को हाइड कर लेते हैं, इनकी जरूरत नहीं है अभी हमें। ठीक है, अब हमें फिर से एक प्लेन लेना है यहाँ से, और ये है 210 मिलीमीटर पे। ओके, इसको करेंगे ओके प्लेन को। प्लेन 4 को करेंगे नॉर्मल 2 और इस पर ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल इस तरीके से। इसकी डायमेंशन है 5 मिलीमीटर और ये वाली डायमेंशन है हमारे पास 150। ओके, स्केच में जाएंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे कन्वर्ट एंटिटीज। ओके, फिनिश स्केच। फिर से जाएंगे लॉफ्ट के अंदर, इस एज पे क्लिक करेंगे और इस एज पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और इसको करेंगे ओके। ठीक है, प्लेन 4 को भी हम कर लेते हैं हाइट। ठीक है, अब हम एक कमांड यूज करेंगे फ्लैक्स। ओके, उसके लिए जाना पड़ेगा इंसर्ट, फीचर एंड फ्लैक्स। इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और रेडियस को हम कर देते हैं 400। ओके, इस तरीके से, और ट्रिम प्लेन में हम डालेंगे -4.5। ओके, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें बनाना पड़ेगा बीच का स्लॉट, जो बीच में यहाँ पे स्लॉट था उसको बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा टॉप प्लेन एंड नॉर्मल टू। स्केच में जाएंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल,
इस तरीके से डायमेंशन कर लेते हैं। ये डायमेंशन है हमारे पास 5 मिलीमीटर, नहीं 8 मिलीमीटर, इसको ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा रहेगा। इसको हम कर लेते हैं 150। ओके, फिनिश स्केच तो करेंगे, फीचर कट एक्सट्रूड करेंगे, इसको मिड प्लेन, और इसको करेंगे ओके। ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे मिडिल पार्ट, ओके। उसके लिए करेंगे टॉप प्लेन पे अगेन नॉर्मल टू, और ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, इसकी डायमेंशन कर लेते हैं, ये है हमारे पास 45 मिलीमीटर, और यहां से इसकी डायमेंशन हम ले लेते हैं 55, और ये चाहिए हमें सेंटर में, ठीक है। ओके, फिनिश स्केच, फिर से जाएंगे फीचर कट एक्सट्रूड, स्केच को सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम कर लेते हैं 28 मिलीमीटर। ओके, इस तरीके से, ठीक है। इसमें जाएंगे वापस स्केच में, इनर फेस पे क्लिक करेंगे, और इसको करेंगे कन्वर्ट एंटिटीज इस तरीके से, ठीक है। और इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड 30 मिलीमीटर, थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे इससे इस तरीके से, ओके। इस फेस पे क्लिक करेंगे और इसको करेंगे अब नॉर्मल टू, इस पे ड्रॉ कर लेते हैं एक हेक्सागन इस तरीके से, ओके। इसकी कोई डायमेंशन हमने ले ली है, इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड, इसको हम करना कर लेते हैं 200 मिलीमीटर, ओके, इस तरीके से। अब करेंगे इस फेस पे क्लिक और इसको करेंगे नॉर्मल टू, और इस पे ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल इस तरीके से, इसको कर लेते हैं डायमेंशन, ये है डायमेंशन हमारी 60 मिलीमीटर, ओके। फिनिश स्केच, फीचर एक्सट्रूड, और इसको कर लेते हैं 250, और इसमें थोड़ा सा हम पेपर दे लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो अब इसमें थोड़ी हम फिलेट कर लेते हैं, बाकी हमारा पार्ट कंप्लीट है। इसको हम जाएंगे अब हम फिलेट में, इस पे फिलेट लगा लेते हैं, इसको कर लेते हैं 5 मिलीमीटर, ओके। इस फेस पे फिलेट कर लेते हैं 5 मिलीमीटर, ओके। इस पे फिलेट कर लेते हैं इस पे, और इस एज पे कर लेते हैं, ओके। अब हम इसको मटेरियल स्पेस स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक, ओके। सो हमारा क्लॉ हैमर रेडी है। अगर आपके कोई डाउट रहेंगे तो प्लीज कमेंट करें, और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके।